2020 मार्च के बाद से अब वो समय आया ही था, सब खुली हवा में सांस ले रहे थे, कोरोना प्रतिबंधों से आजादी मिली थी। 31 मार्च से पूरे देश में महामारी के चलते चल रही पाबंदियों का अंत हुआ ही था। बिना डर के एक दूसरे से लोग मिल पा रहे थे, लेकिन ये क्या लग रहा है जैसे ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान थी, क्योंकि गुजरात में कोविड का नया वेरिएंट मिल गया है। गुजरात में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का XE सब वेरिएंट का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति में इसके संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के टॉप आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुंबई में एक XM वेरिएंट का भी मामला मिला है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब लाइनेज है। देश के अलग अलग हिस्सों से ओमिक्रॉन के सब लाइनेज मिल रहे हैं। हालांकि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी अब तक सामने नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन वेरिएंट के असर को लेकर किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने से पहले कुछ और स्टडीज की जरूरत है, जो कि जीनोमिक एक्सपर्ट और NCDC की तरफ से की जा रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी विदेश यात्रा का इतिहास रखने वाले एक मरीज में XE वेरिएंट वाले से संपर्क में आने की खबर मिली थी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहते हुए XE वेरिएंट की रिपोर्ट का खंडन किया था कि मौजूदा सबूत नए वेरिएंट की उपस्थिति का प्रमाण नहीं देते। लेकिन अब जब गुजरात में भी XE वेरिएंट का एक मरीज मिल गया है, तब मामला गंभीर हो गया है। PIB महाराष्ट्र ने गुरुवार को एक ट्वीट किया, लिखा, मुंबई में कोरोना वायरस के XE वेरिएंट का पता लगने की रिपोर्ट के कुछ घंटे बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नए वर्तमान साक्ष्य नए वेरिएंट की उपस्थिति का प्रमाण नहीं देते। अब सवाल ये कि जब XE वेरिएंट मिला है तो फिर ये वेरिएंट है क्या और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। WHO के मुताबिक नया XE वेरिएंट सबसे पहले 19 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था। नया XE वेरिएंट दो अन्य ओमिक्रॉन वेरिएंट BA1 और BA2 का एक म्यूटेंट हाइब्रिड है और वैश्विक स्तर पर फैल रहे मामलों के लिए जिम्मेदार है। ओमिक्रॉन के BA2 सब वेरिएंट की तुलना में नया म्यूटेंट लगभग 10% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, जो किसी भी स्ट्रेन से ज्यादा संक्रमणीय हो सकता है। दुनिया भर में XE के फिलहाल कम ही मामले देखने को मिले हैं। XE वेरिएंट के लक्षणों की बात करें तो वेरिएंट में नाक बहना, छींक आना और गले में खराश जैसे लक्षण होते हैं, जो वायरस के मूल स्ट्रेन से अलग होते हैं, क्योंकि मूल स्ट्रेन में आमतौर पर रोगी को बुखार और खांसी की शिकायत रहती है और साथ ही स्वाद और गंध भी नहीं आती। 22 मार्च को इंग्लैंड में XE के 637 नए मामलों का पता चला था। कुल मिलाकर विश्व भर में XE वेरिएंट के मरीज तो मिल रहे हैं, लेकिन इसके म्यूटेशन के बारे में अभी कुछ पुख्ता तौर पर कहने से WHO बच रहा है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक UKHSA के मुख्य चिकित्सा सलाहकार सुसान हॉपकिंस ने बताया कि एक संपूर्ण पुष्टि के लिए ज्यादा डेटा की जरूरत है। संक्रमण या संक्रमण की गंभीरता या टीके की प्रभावशीलता पर कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए अभी सबूत पर्याप्त नहीं है। ये वेरिएंट अब भारत ने भी दस्तक दे चुका है। हम तो यही कहेंगे, बड़ी जंग हम जीत चुके हैं, अब छोटी छोटी जंग जीतने के लिए भी तैयारी कर लीजिए। वैसे XE म्यूटेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।